कोरोना के संकट में हर कोई दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहा है और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप लोग भी दूसरों की या जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस बीच हमने आपको तमाम खबरें दिखाई कि लोगों ने किस तरीके से इन हालातों में मदद की। विदेशों से मदद लगातार हिंदुस्तान को मिल रही है, वो अलग बात है कि मदद पहुंच नहीं पा रही, और इसके अलावा विदेशी खिलाड़ियों की ओर से भी भारत के हालात को लेकर मदद की जा रही है। पैट कमिंस जो सबसे पहले खिलाड़ी थे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने भारतीय लोगों के लिए मदद को लेकर हाथ आगे बढ़ाए, जिसके बाद पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेटली की ओर से मदद का ऐलान किया गया था, और उसके बाद सवाल ये खड़े होने शुरू हो गए थे कि भारतीय खिलाड़ी क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, अपने ही लोगों की मदद करने के लिए वो क्यों नहीं कोई बड़ा ऐलान करते, जिसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कोरोना से जूझने के बाद जब वो बाहर आए तब उन्होंने 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया, 1 करोड़ की राशि राहत के तौर पर जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। और अब आईपीएल संकट जब आया है, आईपीएल के मैचेस खत्म हो गए हैं, तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भी सामने आ गए हैं। विराट कोहली ने भी अब खुद फ्रंट फुट पर आकर कोविड से लड़ने के लिए, भारत की आवाम को बचाने के लिए एक बड़ी रिलीफ का ऐलान किया है। दरअसल विराट कोहली ने मैदान के बाहर अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू हो गई। ऐसा हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अब वो आईपीएल नहीं खेल रहे, लेकिन कोविड से लड़ने के लिए वो मैदान में आ चुके हैं। विराट कोहली ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में युवा सेना के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। कोहली युवा सेना के लीडर राहुल एन कनाल के साथ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं। युवा सेना के लीडर राहुल एन कनाल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दोस्तों दी है। क्या कुछ ट्वीट में उन्होंने लिखा है हम आपको बता दें कि ट्विटर पर ट्वीट करते हुए विराट कोहली के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, अपने कप्तान से मिला, कोरोना के खिलाफ उन्होंने ये जो लड़ाई छेड़ी है उसे देखकर उनके लिए सम्मान और प्यार बढ़ गया है। तो दोस्तों आईपीएल के बाद विराट कोहली अब सामने आए और विराट कोहली ने मदद का भले ही ऐलान न किया हो, लेकिन लोगों को मदद देने के लिए वो युवा सेना से जुड़ रहे हैं और उनके जरिए अब लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए वो आगे काम करते रहेंगे। फिलहाल विराट कोहली के इस मदद को लेकर और विराट कोहली अब लोगों की मदद करने के लिए जो मैदान में उतरे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय देना न भूलें। नमस्कार।